इसलिए पैदा किया था तुम्हें कि बड़े होकर जिंदगी जाया करोगे अपनी, ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, वीलो करना है। दफा हो जाओ, शक्ल नहीं दिखाना अपनी इस घर में दोबारा। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई हो आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। नमस्कार। तो नमस्कार कहते कहते अब हम निकल गए हैं अपने सफ़र की ओर। आज जो वैसे जाने वाले हैं एक नए वाटरफॉल की तरफ है, और ये है यहाँ से आज का नज़ारा कुछ ऐसा जो कि आप देख रहे हैं। यह है हमारा रामकृष्ण धाम जहाँ हमारा पूरा बस्ती कटा हुआ था। तो आप लोग ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं आपके लिए ये मॉनसून सीजन में मैंने यही सोचा है कि करीबन अगर लोकल में ही होगा तो लोकल में भी 20 व्लॉग मॉनसून सीजन के बनाए हम एपिसोड करके। तो ये रास्ता मिलने कहाँ से आता है ना, आपको चौहान बाटा या मिलन चौक, मेनली मिलन चौक से आपको मुड़ना है लेफ्ट साइड को। राइट साइड को कसार देवी को जाता है, लेफ्ट साइड को कोसी को जाता है। तो आपको लक्ष्मेश्वर होते हुए जाना है कोसी। तो मेनली अभी हम पहुंच चुके हैं पांडे गोला, और पांडे गोला से अल्मोड़े का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत नीट एंड क्लीन मौसम हो रखा है बिल्कुल। और हम अपने सफर को यूं ही आगे को बढ़ाते हुए, तो वो कहते हैं ना सफर की खूबसूरती देखनी है ना, तो आपको सफर करना बहुत जरूरी है। और सफर में ना मंजिल से ज्यादा खूबसूरत पता है क्या होता है, इन मंजिलों से ज्यादा इनके रास्ते होते हैं यार, क्योंकि उस उन रास्तों में ना आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें याद भी आती हैं। और सामने देखो उधर साइड को तो धूप आ रही है बढ़िया करके, और इधर साइड को भी छांव आ रही है। तो वैसे मेनली हमें जाना उधर ही साइड को है, और मेनली क्या है ना इन रास्तों में आपको ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे, तो छोटे छोटे यहाँ मैगी और मतलब कुछ भी चीज़ बना सकते हो आप, चिकन ला के भी बना सकते हो। तो और सामने की खूबसूरती ना जंगलों की, मतलब मैं एक बार जब आया था ना, और जब बहुत तेज़ बारिश आती है ना तो गाइस इन रास्तों से ना बहुत बढ़िया पानी आता है यार। लेकिन मैं आज आया हूँ सोलो, क्योंकि मेरा जो मित्र है रक्षित बिष्ट उसकी आई है आज, मौसी जी आई हैं। तो वो मेरे से कह रहा था कि यार थोड़ा रुकना पड़ेगा, मौसी जी आई हैं, तो मौसी जी के जाने का वेट कर रहा है। तो मैंने उससे यही कहा था कि यार मौसी जी जाएंगी तो बढ़िया करके, भाई तेरे को पैसे ऐसे मिले होंगे, मिलेंगे 500 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर कहने लगा नहीं यार अब छोटे थोड़े रह गए हैं। तो मैंने कहा यार फिर भी क्या है, मतलब प्यार तो प्यार हुआ ना, वो भी एक प्यार का तरीका हुआ। तो हम आ गए हैं कोसी में, और यह है कोसी नदी, और यह है कोसी का पुल। और हमें मेनली क्या करना है ना, हमें यहाँ से राइट को मुड़ना है, जो अभी गार्ड देख रहे हैं ये इसके अंदर से जाना है हम लोग। यहाँ से है थोड़ा बहुत है होल बाग का रास्ता आता है अंदर को, तो यहाँ से अंदर जाना है। और अभी हमने क्या, अभी बारिश आ रही है तो अभी हमने क्या करनी है ना, एक पॉलीथीन लेनी है, क्योंकि अब मेरे पास ना अभी ये बैग है, और बैग में वो भी है ड्रोन भी है और वो भी है कैमरा भी है DSLR, तो सही रहेगा। चलो बढ़िया है एक पॉलीथीन, वैसे तो उतनी तेज़ आ नहीं रही बारिश, लेकिन ज़रूरी है ना तो ले लेते हैं। तो मेनली हम लोगों ने अभी बारिश के लिए अपने कवर के लिए ले लिया है एक पॉलीथीन बैठी करीबन 90 रुपये की, और ये काफ़ी अच्छा कवर हो गया है, काफ़ी लंबी है वो सिर पर डालने वाली, खोल के दिखाऊंगा आपको बाद में। तो अभी हमें ये आया था, ये है आपकी कोसी मार्केट, मार्केट से जहाँ मैंने आपको दिखाया था होलबाग का रास्ता, अभी हमने पीछे जाना है, और पीछे जाके हम दोबारा जाएंगे अपने वाटरफॉल की तरफ। और मौसम तो आधा खुल भी गया है, ऐसा नहीं है देख सकते हैं। तो आई होप सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन ठीक है अपनी इमरजेंसी में कोई दिक्कत ना हो करके हमने रखा हुआ है, चलो चलते हैं। तो मेनली हम पहुँच चुके हैं अपने फाइनली जहाँ से हमने क्रॉस करनी है। तो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था ये पुल है, पुल के बगल से ही होलबाग की तरफ का रास्ता आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रास्ता आपको पकड़े रहना है और चलते रहना है आपको बढ़िया करके। तो यहाँ अभी ये देखो ये सब खेती बाड़ी होती है इधर पूरे उसमें, तो ये वैसे व्यू वाइज भी काफ़ी अच्छी जगह है। और देखो मेन चीज़ क्या है ना, सिंचाई के लिए यहाँ पानी पर्याप्त है यार, क्योंकि कोसी में हमेशा पानी रहता ही है ज़्यादातर क्या पूरे अल्मोड़े को उसी से ही जाता है, तो सही है। और ये बीच में थोड़ा स्लिपी हो गई है रोड, मिट्टी है ना यहाँ पर, और देखो कितना बढ़िया हरियाली हो रही है यहाँ पर, बढ़िया लग रहा है यार। और सामने देखो ना सीधी रोड है, ठीक है, और ऊपर देखो क्या मस्त व्यू है यार, मज़ा आ गया अगर आप देख पा रहे हो ऊपर।
और ये देखो ना गाइस भाई, औसम कहते हैं इसको, औसम औसम कहते हैं यार, क्या कहूँ फिर, अब औसम ही कहते हैं फिर इसको मैं हर वीडियो में, तभी तो कहता हूँ पहाड़ आओ यार। तो गाइस मेनली हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल में, और दो चीज़ हमारे संग बहुत बुरी हुई है। एक तो हम लोग आधे रास्ते से आ रहे थे, तो पता नहीं कैसे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, और मुझे ही नहीं पता कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, और मैं बोलने में लगा हुआ था, और काफ़ी अच्छी फुटेज आई थी। वो फुटेज चलो अब हम जाते वक्त ले लेंगे, क्योंकि सेकंड जो गलत चीज़ है ना, मैं यहाँ से जाके दिखाता हूँ। ये वैसे मेनली वाटरफॉल का रास्ता है ये, और मेनली ना अभी ना दिल टूट गया है, क्या हुआ है ना गाइस मेरे संग इतना बुरा हुआ अभी। यह है मेनली वो जगह जो वाटरफॉल है जहाँ, और ये पानी तो दिख रहा है लेकिन दिल दुखने वाली क्या बात है ना, कि आप देख सकते हैं ये अभी हो गया है, बिल्कुल सूख गया है। तो अब यहाँ के लिए ना कभी और आना पड़ेगा। तो मेनली आप देख सकते हैं कि मतलब ये काफ़ी हाइट सा आता है यार, ये देखिए ये यहाँ मतलब मेनली ना बहुत आता है, पूरा आता है मेनली, देखो कितने हाइट सा आ रहा है, देखो ये देखो, और इतना बड़ा ना वाटरफॉल होगा नहीं पूरे अल्मोड़े में। अब देखो पूरे फ्रेम में भी नहीं आया है, पूरे फ्रेम में भी नहीं आ पा रहा है इसके लिए। अब ऐसे करते हैं एक बार ना दिखाते हैं हम आपको ड्रोन शूट लेके कि कितना ऊंचाई से आता है, या एक्चुअली ना थोड़ा ना पीछे को जाके भी अगर हम देखते हैं तो। अब पीछे से स्टार्टिंग से ही होता ना, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो कोई नहीं पैदल पैदल चलता है, और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, और सामने को आप देख रहे हैं। तो ये देखिए ये काफ़ी हाइट सा आता है, लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमारा बैड लक यही था कि यहाँ अभी पानी नहीं है, लेकिन अब ये देखिए ये वह है पुल, पुल के ठीक बगल में ही है, तो ये मेन रोड है। तो आप कभी और आइएगा मेरा, अगर बीच में अगर मैं आऊँगा लेकिन यहाँ कभी आऊँगा तभी पूरा दिखाऊँगा, क्योंकि मेरे को ये ब्लॉग वहीं कम्प्लीट करना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से अधूरा ही हो गया है, क्योंकि अब पानी है नहीं। ये देखो पूरा पानी सूख रखा है, हल्का हल्का पानी पता नहीं, चलो कोई नहीं यार, इसके लिए अभी ना थोड़ी अभी सावन का टाइम स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उसके बाद आएगा मज़ा, कोई नहीं यार। लेकिन मैंने मेनली आपको लोकेशन दिखा दी है। To life than this, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand, from him send, with me tonight. मोड़ में रखूंगी और फिर हम दिखाएंगे आपको यहाँ का नजारा, क्या प्यारा है। तो नजारे के लिए आपको बनना पड़ेगा हमारा एक सब्सक्राइबर, तो इतना तो कर ही सकते हैं यार, जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं
तो आपसे छोटी सी एक निवेदन है कि आप हमको कर दीजिए चैनल में सब्सक्राइब और कर दीजिए वीडियो को शेयर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, तो क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन ना हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ एक जाता हुआ कदम होगा। सो वो कदम उठाइए आप। वेलकम टू हेवन बेबी। वो डायरेक्टर कैसे करते हैं ऐसे ही करता हूँ अभी, कैसा आ रहा है मेरे को नहीं पता। वेलकम टू हेवन, तो ये स्वर्गी तो है यार, इससे बढ़िया क्या दिखेगा कोई चीज़। आप खुद सोचिए ना, देखो शांति की शांति है, गांव है वैसे मेनली ना। अब देखो पहाड़ों के गांव कितनी बढ़िया जगह ज़बरदस्त जगहों में होता है यार, वो भी खुद बीच में मंदिर है। तो मेरे लिए ये स्वर्ग है यार, मतलब लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर, इसके यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा फील हो रहा है यार कि मतलब क्या जन्नत जगह है यार। तो ये नहीं मतलब रास्ता पूरा ही रास्ता बहुत सुंदर था यहाँ। ये तो लिटरली अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था ड्रोन उड़ाने के लिए, तो तब देखा था और आसमान साफ है आज, भोलेनाथ ने साथ दिया हुआ है, आसमान तो साफ है और प्रकृति का भी मज़ा है। हल्की सी बारिश हुई थी, बारिश के बाद जो भी धूल धक्कड़ होगी ना सब की सब चलेगी है, आप देख सकते हैं यहाँ को सब चलेगी और बहुत अच्छा लग रहा है यार। अपनी मंजिल अल्मोड़ा की तरफ, अपना होम टाउन ब्यूटीफुल अल्मोड़ा, ये सारा भी अल्मोड़े में आता है ऐसा नहीं, ये भी पूरा सब अल्मोड़े का ही है। अल्मोड़े में भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं यार, अगर आप लोग हो, अगर आप किसी लोकल के साथ जाते हो ना तो तब आपको फील होगा। और इसके बाद ना एक और जगह है, वहाँ तो दो तीन जगह से आता है वाटरफॉल, वो दिखाऊंगा मैं। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है ना, अब थोड़ा ना ऐसी जगह जाएंगे कि जहाँ कुछ अलग व्यू आए, क्योंकि अभी ना मेनली ना वाटरफॉल में पानी है नहीं। दिल से रिक्वेस्ट है आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, देखिए पहाड़ों में जब भी आते हैं ना आप प्लीज़ यार कूड़ा मत कीजिए यार। देखो इतनी प्यारी यार प्रकृति है यार, देखो यार इतनी प्यारी प्रकृति और आप कूड़ा करेंगे तो ना तो बहुत गंदा लगेगा यार। देखो अब कुछ लोग होते हैं जो जिनको कूड़ा ही पसंद है, क्योंकि उनके दिमाग में ही कूड़ा भरा रहता है, तो वो लोग तो यार ना अपने बच्चों को समझाते हैं ना खुद समझदार होते हैं। और देखिए मेरे सामने से आर्मी में, देखो जाने के लिए ना आर्मी में गाँव के लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ना, आप देख सकते हैं। अभी बज रहा है शाम का 7 और ये निकले होंगे करीबन 5:30-6 बजे से, और ये आप देख रहे हैं ये सिद्धू मूसेवाला का गाना लगाया जा रहा है और बस भागा जा रहा है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है यार। और यहाँ अभी चल रही है वॉलीबॉल, फिजिकल एक्टिविटी गांव में ना बहुत होती है यार। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का 7:45 और दिल थाम के बैठे, क्योंकि आपको अब देखने वाला है अल्मोड़े का नाइट का व्यू कुछ ऐसा होता है यार। तो जो मैंने कहा था ना यार कि इस अंधेरे में तारे टमटमाते हुए दिखेंगे, वो भी ज़मीन में आपको, तो अल्मोड़े का व्यू कुछ ऐसा है यार। सोचिए अगर आप शाम के वक्त यहाँ से जा रहे हों और आपको इतना बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए मिलता है, तो मतलब आप तो खुशी के मारे ना, आप अगर बाहर के हैं, ये तो मैं लोकल का हूँ तो मेरे लिए भी इतना अच्छा है, तो आपके लिए वो चीज़ कैसा रहेगा आप कुछ सोचिए उस चीज़ को। और मतलब काफ़ी अच्छा बेहतरीन है, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना और मज़ा आएगा अभी आपको देखने के लिए। तो मेनली क्या है ना, जो ये आप ज़्यादा हिस्सा देख रहे हो ना, यह आता है आपके बेस हॉस्पिटल में, ठीक है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत कम था, अब तो जैसे ये मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है, तो ये इलाका आप देख लीजिए वो ऑफ अल्मोड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये अल्मोड़े के अंदर भी नहीं आता, ये अल्मोड़े से दूर है, मतलब आता अल्मोड़े में ही है लेकिन है बहुत दूर। तो ये लोगों यहाँ तक का मकान बना दिया लोगों ने, तो यहाँ से ये लगा ये बेस हॉस्पिटल है, ये आर्मी कैंटर का इलाका है, ये जो ऊपर ये टॉप देख रहे हैं ना आप, ये जो सबसे टॉप, इस टॉप के वहाँ पर मार्केट है पूरी अल्मोड़े की। और यही नहीं, ये एक साइड अल्मोड़े का, दूसरा साइड इसके पीछे है, तो ये अल्मोड़े का व्यू कुछ ऐसा है रात में यार, तो आपको ना बहुत बेहतरीन लग रहा होगा, मेरे को खुद ही अच्छा लग रहा है। मैं बाहर का नहीं, मैं यहीं का लोकल का हूँ, लेकिन मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, तो आपके लिए तो हो ही रहा होगा यार अच्छा। तो गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, थोड़ा प्यार आप बनाए रखिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अल्मोड़े में ऐसे आपको छोटे छोटे ना बहुत मंदिर मिल जाएंगे, सांस्कृतिक नगरी तभी कहते हैं अल्मोड़े को, क्योंकि देवभूमि जो है ना वो भी अल्मोड़े के लिए परफेक्ट
वर्ल्ड है, सांस्कृतिक तो नगरी भी अल्मोड़े के लिए परफेक्ट वर्ल्ड है। और आजकल अल्मोड़ा काफ़ी डेवलप हो चुका है यार पहले से, वहाँ क्या खुशबू आ रही है यार, अब भूख जैसी लग रही है बताया, यहाँ पर पहुँच गई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो आ चुके हैं हम अपने घर के काफ़ी करीब, वापसी हो चुकी है हम लोगों की बढ़िया करके। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपने मोहल्ले में, मोहल्ला नसीमबाड़ी। तो यहाँ से हम चल रहे हैं हमें सीधे घर को। तो गाड़ी कर दी है हम लोगों ने पार्क सामने, बढ़िया है सिक्योरिटी की, मेरे लिए तो इधर एक कैमरा है, अभी उसका डायरेक्शन उधर को है, पता नहीं क्यों ये वो कहें इधर को गुरुद्वार इसको। और ये ओम ओम नमः शिवाय सबसे अच्छी चीज़ घर जाते वक्त ये लगती है। तो पहुँच चुके हैं घर में, तो वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। अगर आप चैनल में नए हैं और अगर आप अभी तक बने हैं तो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए चैनल को प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई से नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। और ये है हमारी पॉलिथीन निकाल देते हैं, तो करते हैं बाय, मिलते हैं बाद में, टेक केयर, सी यू, गुड बाय। यार सामने से कबूतर, वाह फिर उड़ेगा, अब फिर बैठेगा, नहीं यार अब की बार में ऊपर चलेगी। अब परिंदे परिंदों की तरह, और देखो ना कितना ग्रीन ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है, स्मॉल लाइफ, स्मॉल लाइफ।